पीड़िता ने आज पुलिस क्षेत्र अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार, दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़िता ने जिलाधिकारी को दिया था आवेदन, पुलिस ने आज तक नहीं की किसी आरोपी की गिरफ्तारी। लहचुरा पुलिस दे रही अपराधियों को संरक्षण, पीड़ित परिवार को है जान का खतरा। झांसी के थाना लहचुरा धमाना पायक निवासी श्रीमती गीता देवी ने आज पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर को दिए आवेदन में बताया कि 11 जून 2023 को गांव के लगभग आधा दर्जन लोग लगभग 3 बजे घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए उसके देवर से मारपीट करने लगे। जब उसकी सास ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी सास और पीड़िता के साथ भी मारपीट कर दी, जिससे सभी को गंभीर चोटें आई। जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तो कर ली, लेकिन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही, जिससे हमारे परिवार को जान से मारने की फिराक में है। जिसकी आज फोन से थाना प्रभारी लहचुरा से शिकायत की। मारपीट में घायल सास को गंभीर हालत में सीओ के सामने पेश कर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कौन से थाने ले गई? लहचुरा थाने ले गए सर। वहाँ पर क्या आश्वासन मिला था? वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, आप इनको पहले भर्ती करो, मुकदमा आपका हम बाद में लिखेंगे, पहले इनका ट्रीटमेंट करवाओ, इनका ट्रीटमेंट जरूरी है। और हम वहाँ झांसी जिला अस्पताल भेजा उन्होंने, तो जिला अस्पताल से फिर खैराती रेफर किया, खैराती से सर फिर मेडिकल रेफर किया डॉक्टर। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत सर ये कि मेरी सास बहुत सीरियस है और मुश्किल, क्योंकि खाना पीना पानी अन्न कुछ नहीं खा रही सर, और तड़प रही दिन नाराज। आज कहाँ पर आए? आज हम सीओ साहब के ऑफिस आए हैं सर। यहाँ पर क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ पे उन्होंने बात की है सर ने कि आपकी कार्रवाई होगी, आप परेशान मत हो, आपकी कार्रवाई होगी। सर ने बात भी की है थाने और हमें पूरी उन्होंने बोला है कि आप परेशान नहीं हो, आपकी सुनवाई हो। अब कहाँ लेके जा रहे हैं? अब हम इनको झांसी जा रहे हैं मेडिकल में, इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं सर। मुकदमा लिखा कि नहीं लिखा? मुकदमा लिख गया सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और वो हमें परेशान कर रहे, धमका रहे, जान से मारने की धमकी दे रहे। अच्छा।